दोस्तों, मैं ए रहमान मुंबई से और आज आया हूँ मैं आज शिवा भाई का, इसको हड्डा बोलते हैं। यहाँ पर जो है शिप का रिपेयरिंग का काम होता है और शिप बनते भी है यहाँ पे। ये मुंबई के बड़े शिप रिपेयरिंग यार्ड में से एक यार्ड है। ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये जो लोहे का, ये एक कार्गो शिप है जो रिपेयर होने के लिए आया है। और ऐसे बहुत सारे शिप जो है रिपेयर होने के लिए आए हैं और इनमें से कुछ शिप जो है जो नवे बनाए गए। तो आज हम ये यहाँ से नीचे उतर के सामने की शिप में जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा फिशिंग वगैरह भी करेंगे। और सीढ़ी एकदम खड़ी है तो थोड़ा सा डर लग रहा है, पैर ना पिसल जाए, बट उतर गया हूँ अच्छे से। अभी ये सामने की तरफ जाएंगे जहाँ पर हम कुछ फिशिंग करना है। और ये जो है शिवा भाई खड़े हैं तो थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं यहाँ के बारे में, वो कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कैसा उनका यहाँ पर गुजारा हो रहा है। के पास में आज मिलना आया था शिवा भाई, आप कब से रहते हो यहाँ पर? मैं तो बचपना यहाँ अपना गया है, फिर तो हमारा जिंदगी यही है। और ऐसा जिंदगी है ना, इतना मजा आ रहा है ना, और करोड़पति को भी मजा नहीं है ऐसा हमारा मजा आएगा हर दिन हर रोज। टाइम जाने का भी टाइम कैसे हम लोग को मालूम नहीं, ऐसा टाइम चले जाता है यहाँ से। एक नंबर है, देखो हमारा दोस्त भी मच्छी पकड़ रहा है, एक दोस्त भी हमारा दोस्त और एक मच्छी बना रहा होता है। काला डाल के एक घंटे से बैठे हैं, मच्छी तो कोई आई नहीं। लास्ट टाइम हमने गोवा में फिशिंग किया था, काफी मजा आया था। ये जो बोट है ये मच्छी पकड़ने के लिए बाहर जाती है, और ये जो छोटे छोटे बोट है ये यहाँ के लोकल लोगों के है, ये डेली यूज के लिए होता है। और ये उनके जो है समंदर के किनारे जो घर है, थोड़े अलग टाइप के बने हुए हैं, बम्बू के ऊपर घर है ये, ताकि डूबे ना पानी में, तो उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा बनाया गया है। और ये जो है बड़े बोट है, कार्गो बोट बोलते हैं जिसको, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। बहुत सारे टाइप के बोट जो है यहाँ पर देखने मिले। ये थोड़ा फेरी टाइप का है, जैसे कि हम लोग फेरी वगैरह यूज करते हैं, तो ये वो है, इसका काम चल रहा है। ये सीढ़ी चढ़ के हमको ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ थोड़ा डेंजर है। ये दूसरे बोर्ड पे आ गए हम लोग। बहुत सारे अलग अलग टाइप की शिप यहाँ पर जो है रिपेयर के लिए आए। एक वो लास्ट वाला शिप जो है वो बहुत ही बड़ा है, उसका स्टार्टिंग वहां पर है और एंड यहाँ पर है। ये नाव की बात कर रहा था, ये यहाँ तक से बड़ा जो अभी तक शिप देखने को मिला है, ये पूरा कार्गो शिप है। पूरा यहाँ का व्यू है, मैं सबसे ऊपर वाली नाव का आया हूँ, उसके भी टेरिस पे आया हूँ, उसके छत पे। आगे आप लोगों को मैं यहाँ से पूरा व्यू दिखा सकूँ। सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका है और अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।